हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शाही पनीर कोरमा बनाएंगे, तो चलिए बनाते हैं। पनीर कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें एक कप पानी डालेंगे। ये मैंने हाफ के जी अनियन रफली चॉप कर लिया है, तो इसको हम पानी में डाल देंगे। दो हरी मिर्ची डालेंगे, हाफ इंच अदरक, 6 से 7 कली हम गार्लिक की डालेंगे, एक बड़ी इलायची, तीन छोटी इलायची, 8 से 10 हम ब्लैक पेपर डालेंगे, साबुत काली मिर्ची, थोड़ा सा हम शाही जीरा डालेंगे। गैस को लो फ्लेम पे रखेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और खूब सारे काजू डालेंगे। एक छोटा बाउल मैंने काजू डाला है। जब तक ये अनियन का कलर चेंज नहीं होता तब तक हम पकाएंगे। तो देखिए, आपने अनियन का कलर चेंज हो गया, हमने गैस ऑफ कर दिया है। अब इसको हम पानी निकाल देंगे, अनियन का वो हम यूज़ नहीं करेंगे। और ये देखिए, स्ट्रेनर में मैंने पानी सारा नीचे निकल गया है और अनियन, ये देखिए, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ये जो बड़ी इलायची है वो निकाल देंगे, हटा देंगे, इसको अब यूज़ नहीं करेंगे। ठंडा हो चुका है तो अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, एक अच्छा पेस्ट बना लेंगे। एक कप दही डालेंगे, गैस ऑन करेंगे। सेम पैन में हम 2 टेबलस्पून हम घी डालेंगे। ये देखिए, अनियन का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो सारा इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब बबल्स आ रहे हैं अच्छे से इसमें। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिक्स करेंगे अच्छे से। लंबे लंबे हम थोड़े से अदरक और हरी मिर्ची को लंबा लंबा काट लेंगे और इसमें डाल देंगे पतला करके। थोड़ा सा चीनी डालेंगे, चीनी डालने से बहुत अच्छा एक टेस्ट, एक फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं चीनी डालती हूँ। और हाफ ग्लास हम दूध डालेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम और भी डालेंगे दूध।
मिक्स करेंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। ये पनीर क्यूब्स सारे इसमें डाल देंगे। दो सौ ग्राम पनीर था जो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए तैयार है ये पनीर कोरमा। गैस ऑफ कर देंगे और ये देखिए मैं निकाल रही हूँ बाउल में। थोड़ा सा जावित्री पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे गार्निशिंग के लिए। कोरिएंडर लीव रखेंगे और ये तैयार है शाही पनीर कोरमा। तो कैसी लगी रेसिपी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब और ये रेसिपी ज़रूर घर पर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।